हेलो स्टूडेंट, आज हम एनसीईआरटी साइंस में क्लास 9 का चैप्टर 10 में पढ़ेंगे। टॉपिक है हमारा थ्रस्ट एंड प्रेशर। ओके, ये देखिए इसमें आपको क्या दिख रहा है। ये इमेजेस हैं, तीन इमेजेस हैं इसमें, ठीक है। सबसे पहला ये क्या है, ये ऊंट की इमेज है, और ये क्या है, ट्रक है, और ये आपका नाइफ है। तो इसमें आप ये देखेंगे कि ऊंट जो है रेगिस्तान में बहुत आसानी से चल लेता है, ठीक है। और ये जो ट्रक है, इसके जो ये टायर हैं, ये काफी कैसे बनाए जाते हैं, चौड़े, ठीक है, ये चौड़े होते हैं। और ये जो चाकू है, ये नाइफ जो है, इसकी जो धार होती है, ये काफी किस तरह से होती है, तेज होती है इसकी धार, है ना, बारीक सी रहती है और काफी तेज होती है। इसके आगे का जो ये क्षेत्रफल होता है, काफी पतला सा ये रहता है, ये है ना। तो ऐसा क्यों होता है कि ऊंट रेगिस्तान में आसानी से चल लेता है, ट्रक के टायर जो है चौड़े बनाए जाते हैं, और काटने वाले जो औजार होते हैं उनकी धार तेज होती है, क्यों? आज हम इन सब के बारे में जानेंगे कि यह सब ऐसा क्यों होता है, ठीक है। और ये सब किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, ये सब डिपेंड करता है प्रणोद और दाब के ऊपर, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि ये है, इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है कि जैसे आपके स्कूल वगैरह में डिस्प्ले बोर्ड होता है, ठीक है, और उस पे कोई भी हमने कोई मैसेज वगैरह हमें देना रहता है, तो हम क्या करते हैं, पिन की हेल्प से, ये क्या है, ये कोई मैसेज हमें देना है, ठीक है, कोई भी मैसेज हम दे रहे हैं, ठीक है, बच्चों को कोई भी चीज, तो हम ये चार्ट पे लिख के हम क्या करते हैं, इस पे अगर लिखा रहता है, उसको लिख के हम बोर्ड पे लगा देते हैं कि आते जाते बच्चे वो जो है उसको सीन कर लेंगे, उसे देख लेंगे। और ये आप देखिए, यहाँ पे जो है ये जो बोर्ड है, इसके ऊपर ये हाथों से, ठीक है, ये अंगूठा है, अंगूठे से हम इस पे क्या कर रहे हैं, इस पे दबाव डाल रहे हैं। तो ये चीज यहाँ पे देखिए, ये जो है यहाँ पे ये थोड़ा चौड़ा है ना, इसका जो एरिया है वो ज्यादा है, और यहाँ पे जो चीज देखेंगे, ये जो चीज देखेंगे, ये क्या है, काफी पतला है, ठीक है। तो जैसे ही हमने इसको प्रेस किया तो ये आगे की तरफ जाके लग गया, जैसे ये लगा हुआ है, ठीक है। तो मान लीजिए बोर्ड पर आप चार्ट लगाना चाहते हैं, जैसे कि इमेज में दिख रहा है, चार्ट पर लगाने के लिए क्या चाहिए, ड्राइंग पिन चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बताया है। अंगूठे से हम दबाते हैं, जो चपटा वाला भाग है वो ऊपर की ओर है, जैसे कि ये है, ठीक है, अब ऊपर की ओर इस पर क्षेत्रफल पे बल लगाते हैं, वह बल बोर्ड की सतह पर ये किस तरह से लग रहा है, लंबवत, लंबवत यानी इस तरह से वर्टिकली, ठीक है, वर्टिकली ये लग रहा है, ठीक है, ये बोर्ड किस तरह के लंबवत लगता है। ये जो बल लग रहा है वो पिन की नोक पर, पिन की नोक ये है, पिन की नोक पर ये छोटा सा है जो मैंने आपको बताया, इस क्षेत्रफल पर लगता है, ठीक है। अब इसी तरह से ही आप देखिए, और फिर जैसे ही लगेगा तो ये क्या होगा, ये इसको इस तरह से लग जाएगा एकदम, वो फिर ये जो पेजेस हैं वो गिरेंगे नहीं, ठीक है। ऐसे ही आप इसमें देखिए, ये इमेज है, इसमें आप देखेंगे कि ये रेगिस्तान है, क्या है यहाँ पे, ये रेगिस्तान, ठीक है, ये यहाँ पे रेगिस्तान है, ये मैं लिख देती हूँ, ये रेगिस्तान है, ठीक है। और ये यहाँ पे, ये जो चीज है, ये यहाँ पे क्या है, ये रेत वगैरह, जो जैसे रेगिस्तान में डेजर्ट वगैरह पे जो रेत वेत रहते हैं, बालू रेत जो भी आप मान लीजिए, वो चीज है, ठीक है। तो ये बच्चा खड़ा है, और इस वाली इमेज में ये बच्चा कैसा है, लेटा हुआ है। तो जब हम खड़े रहते हैं, या आप अपने आप को ही ले लीजिए, ठीक है, या तो अपने आप को ही ले लीजिए, तो जब हम खड़े हैं तो हमारे जो पैर हैं वो रेत में गहरे धंस जाते हैं। ये जो चीज है, ये कैसा धंस रहा है, गहरा, ठीक है, गहरा यानी कि उसके अंदर थोड़ा धंस जाएगा, ठीक है। अब हम ये लेटे हुए हैं तो इसमें जो है ये कम धंसेगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, पहले के अकॉर्डिंग ये कम होगा और इसमें ज्यादा होगा, इस वाले में क्या होगा, ज्यादा और इसमें कम, ठीक है, दोनों में आप कंपैरिजन करेंगे तो, ठीक है। तो दोनों कंडीशन में रेत पे लगने वाला जो बल है वो हमारे शरीर का क्या है, भार है, ठीक है। इसमें भी ये भी तो हमारे शरीर का ये पूरा ये भार है, और ये भी हमारे शरीर का क्या है, भार है, ठीक है, दोनों कंडीशन में। तो भार जो है वो कैसा लग रहा है, वर्टिकली, वर्टिकली लग रहा है ना, नीचे की साइड, ठीक है, वर्टिकली लग रहा है, और जो नीचे की ओर लग रहा है, और नीचे की ओर क्या लग रहा है, ये बल लग रहा है, ठीक है। तो जहां
पर बल जो है वो रेत की सतह के लंबवत लग रहा है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे कि लंबवत लग रहा है ये, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे कि ये जो बल जो लंबवत लग रहा है इसी में ही ये चीज क्या आता है आपका प्रणोद। क्या होता है प्रणोद? प्रणोद जो है किसी वस्तु की सतह के लंबवत, देखिए अब इसमें किसी वस्तु की सतह के लंबवत, किसी वस्तु की सतह के लंबवत जो मैंने अभी आपको बताया सतह के लंबवत बल को हम क्या बोलते हैं प्रणोद। जैसे कि उसमें जो है इस वाली इमेज में आपने देखा होगा कि बल कैसे लग रहा है, लंबवत लग रहा है नीचे की साइड, ठीक है। तो इसमें यही बोल रहा है कि किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को प्रणोद कहते हैं, ठीक है। और प्रणोद का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। इसका जो मात्रक होगा वो क्या है? न्यूटन, ठीक है। और इसकी जो राशि है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, इसकी जो राशि है वो क्या है? सदिश, क्योंकि इसमें दोनों चीज है, परिमाण भी और दिशा भी, ठीक है। और प्रणोद को ही हम क्या बोलते हैं? बल बोलते हैं। ये भी चीज आप ध्यान रखेंगे। इसका जो दूसरा नेम है ये आप ये ध्यान रखेंगे, इसको हम क्या बोलते हैं? बल। तो आप ध्यान रखेंगे मात्रक इसका न्यूटन है और राशि क्या है इसकी? सदिश। अब उसके बाद आपका आता है दाब। दाब क्या है? इसे हम बोलते हैं प्रेशर। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद को दाब कहते हैं। दाब बराबर क्या होता है? प्रति एकांक, ये चीज आप ध्यान रखें, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद को दाब कहते हैं। दाब बराबर प्रणोद अपॉन क्षेत्रफल। और प्रणोद को मैंने आपको बताया था बल ही होता है, बल अपॉन क्षेत्रफल, बल अपॉन क्षेत्रफल। और दाब का मात्रक क्या है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसको हम एन, फिर इसका प्रति का साइन इस तरह से लगा देते हैं, मीटर स्क्वायर ये भी हम लिख देते हैं। और 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर जो होता है वो 1 पास्कल के बराबर होता है, और पास्कल को हम पीए से भी दिखा देते हैं, ठीक है। अब इसके बेस पे हम एक न्यूमेरिकल लेते हैं। देखिए इसमें ये है, एक क्वेश्चन है 5 किलोग्राम द्रव्यमान, 5 किलोग्राम द्रव्यमान का लकड़ी का गुटका। तो इसमें देखिए एम क्या है? 5 kg, ठीक है। द्रव्यमान को हम किससे डिनोट करते हैं? एम से, ठीक है। 5 किलोग्राम द्रव्यमान का लकड़ी का गुटका मेज पर रखा है जिसकी विमाएं 40 सेंटीमीटर 20 और 10 सेंटीमीटर है, यानी कि इसकी जो विमा है वो हम लिख देंगे, इसमें विमा जो दे रखी है विमाएं वो क्या क्या है? 40 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, ये चीज है। लकड़ी के गुटके द्वारा मेज पर लगने वाले दाब की गणना कीजिए। अब इसने दाब की गणना कीजिए कहा, यानी कि प्रेशर पूछा, यानी पी पूछा इसने, ठीक है। तो मेज पर गुटके की निम्नलिखित विमाओं को रखा जाता है। अब देखिए निम्नलिखित विमाओं को, यानी कि 20 सेंटीमीटर इंटू, अब देखिए ये चीज आप ध्यान रखेंगे 20 × 10, और सेकंड वाले पोर्शन में 40 × 20 है, तो इसका मतलब क्या है 20 × 10? तो आप देखेंगे कि ये जो लकड़ी का गुटका है वो इस तरह से है, ऐसे फर्स्ट कंडीशन में हम बनाएंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये जो है ये आपकी लेंथ हो जाएगी, ये कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर, और ये जो चीज है ये क्या हो जाएगा, ये ब्रेथ हो जाएगा, यानी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और फिर यानी इसमें क्या है, जब ये चीज है तो ये आपका क्या, ये हाइट है ये 40, इसको हमें अभी मतलब नहीं है। तो इसने फर्स्ट कंडीशन में ये बोला है कि जब ये लेंथ जो है ये 20 सेंटीमीटर है और ब्रेथ जो है वो 10 सेंटीमीटर है, तब हमें प्रेशर बताना है। तो एल और बी है, तो एल और बी किसमें होते हैं? रेक्टेंगल शेप में। तो यानी इसका जो एरिया आएगा, यानी जो क्षेत्रफल आएगा वो क्या आ जाएगा? क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी एल इंटू बी। तो ये कितना हो जाएगा? 20 × 10,
तो ये आपका कितना आ गया 200। ठीक है, अब देखिए ये 200 जो है ये आपका सेंटीमीटर में है, तो ये आपका आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको जब आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 200 अपॉन 100 इंटू 100, ठीक है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका आ गया 0.02, ठीक है, मीटर स्क्वायर। तो ये आपका क्षेत्रफल निकल गया, ठीक है, ये आपका क्षेत्रफल निकल गया। अब आप आगे देखिए, इसमें दिया हुआ था m, m कितना था 5 kg। तो अब हमें बल निकालना होगा, तो बल निकालेंगे हम F इज इक्वल टू m इंटू जी, m इंटू जी के फॉर्मूले से, ठीक है। तो m आपका क्या है 5, और g हम जानते हैं g की वैल्यू क्या होती है 9.8, तो आप इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना आएगा, यानी 490, और यहाँ पॉइंट लग जाएगा, तो ये आपका आ गया 49, और बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन। ओके, तो आपका F निकल गया और इसका क्षेत्रफल निकल गया यानी एरिया। तो हम अब अगर P निकालें, अभी मैंने आपको प्रेशर का फॉर्मूला बताया था, P इज इक्वल टू, इसको आप P1 ले लीजिए, ठीक है। तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो फोर्स आपका क्या है 49, और एरिया भी हमने निकाला है 0.02। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके हमारा आएगा 2450, और इसकी यूनिट हम लिख देंगे, पास्कल भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप क्या लिख देंगे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका जो आ गया यहाँ पे, ये आपका P1 की वैल्यू आ गई। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। अब सेकंड कंडीशन में क्या बोल रहा है, अब देखिए P1 हमने निकाल लिया था, अब हम सेकंड कंडीशन इसकी देखेंगे। सेकंड वाला जो ये दे रखा है, इसमें क्या दिया हुआ है, सेकंड वाले में दिया है, सेकंड में ये इसमें जो इसकी विमाएं दे रखी है, यानी कि इसकी जो लेंथ दे रखी है ये 40 सेंटीमीटर है, ठीक है, और इसकी जो ब्रेथ दे रखी है वो 20 सेंटीमीटर। तो अब देखिए इसमें जो लकड़ी का जो गुटका है, पहले तो हमने वो खड़ा रखा था, तो उसके ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या था 20 × 10, ठीक है। अब जो है ये 40 × 20 है, तो यानी कि वो कुछ इस तरह से है, ठीक है, ये आप देखिए ऐसे है, कुछ ऐसे करके है, ठीक है, इस तरह से है, आप समझ जाइएगा मेन। ये जो लेंथ दे रखी है, ये जो L है, ये आपका क्या है 40, ठीक है, और ये जो B है ये आपका 20, और इसकी यूनिट लिख दीजिए सेंटीमीटर, ठीक है। और ये जो है अगर क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे अब क्या बच जाएगा, ये 10 आ गई इसकी हाइट जो है, इसे हमें मतलब नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है 40 और 20 को बोल रहा है, ठीक है। तो अब हम इसका एरिया निकालेंगे, एरिया इसमें आप A2 ले लीजिए, वही क्षेत्रफल क्या हो जाएगा L इंटू B हो जाएगा, ठीक है। तो L आपका क्या है 40 और B क्या हो जाएगा 20, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 800 सेंटीमीटर स्क्वायर, यूनिट जरूर लिखेंगे। अब देखिए इसे हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो जैसे हमने पहले किया था सेम उसी तरह से ये आपका जाएगा 100 × 100, ठीक है। तो ये 0 से 0 ये कैंसिल हो जाएगा, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 8/100 यानी 0.08 मीटर स्क्वायर, तो ये आपका A2 निकल गया, ठीक है। अब देखिए इसमें अब हमें P2 निकालना है, तो अब हम P2 निकालेंगे, तो इसमें P2 के लिए इधर मैं निकाल दे रही हूँ, तो आप P2 निकालेंगे तो हम जानते हैं प्रेशर क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो यानी F अपॉन A हमारा A2 आप यहाँ ले लेंगे, क्योंकि दूसरा हमने निकाला ना क्षेत्रफल, और उसमें F निकालेंगे तो F हमने निकाला था mg से, तो हमारा कितना आया था 49, तो सेम वही रहेगा, तो 49 अपॉन 0.08, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 612.5,
और इसकी यूनिट मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब आप इसमें देखिए, ये आपका P2 आ गया, P2 आपका आ गया 612.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और हमारा P1 क्या निकल के आया था, P1 हमारा आया था 2450 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो अब आप दोनों में देखिए, जब उसमें सबसे पहले जब उसमें लेंथ और ब्रेथ आपने यानी कि उस गुटके को खड़ा रखा था, यानी कि उसका जो क्षेत्रफल था, क्षेत्रफल जो था कम था, तब क्या था, इसका जो प्रेशर आया है वो ज्यादा आया है। और जब क्षेत्रफल ज्यादा है, ये आप देखेंगे ना, जब क्षेत्रफल ज्यादा था तब उसका प्रेशर क्या आया है, ये आया है। तो इसी के बेस पे आप देखिए इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, इसमें देखिए इससे क्या निष्कर्ष निकलता है। ये आप देख रहे हैं, ये एक अंगूठे से एक पिन को हम गुटके में दबाव डाल रहे हैं आगे की साइड, है ना। और ये जो है इसमें ये एक क्या है, कील है, ये नेल है एक, और इसका जो आगे का हिस्सा, ये चीज ये आप देखिए बारीक से है ना, एकदम पतला है आगे से। और पिन वगैरह ये देखिए यहाँ पे कैसा होता है, पतला सा होता है। और इसमें जो कोई भी कील वगैरह होती है या ये चीज है, आप देखिए यहाँ पे क्या है, इसका जो ये चीज है ये आगे से पतला है। तो ये क्या है, इसी प्रकार वही बल जब छोटे क्षेत्रफल पर लगता है तो अधिक दाब, ठीक है, छोटे क्षेत्रफल पे लगता है, यानी इसका एरिया ये यहाँ पे ये चीज देख रहे हैं ना, ये छोटा क्षेत्रफल है, ये जो चीज है, ये चीज आप देख रहे हैं, इसका क्षेत्रफल क्या है, कम है। ये जो चीज देख रहे हैं क्या है, यहाँ पे कम क्षेत्रफल। तो जब कम क्षेत्रफल होता है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, जब कम क्षेत्रफल होता है तो दाब क्या होगा, अधिक। कम क्षेत्रफल तो दाब क्या होगा, अधिक, ठीक है। और जब बड़ा क्षेत्रफल होगा तब दाब क्या होगा, कम होगा, ठीक है। जैसे कि आप इस इमेज में देख लीजिए, ये चीज है, इसमें एक लेडी है, ठीक है। अब आप देखिए इसमें, इसके पास ये काटने का एक साधन है, आप बड़ा नाइफ देख लीजिए, तो ये चीज इसका जो एरिया यहाँ पे देखिए, ये दिख रहा है आपको, यहाँ से ब्रॉड यानी बहुत ही चौड़ा है, ठीक है। और इस वाले में देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या है, कम है। तो वही चीज हो गया, जब कम होगा क्षेत्रफल, कम क्षेत्रफल होगा तो दाब क्या होगा, दाब अधिक, ठीक है, दाब अधिक होगा। और जब अधिक क्षेत्रफल होगा, अधिक क्षेत्रफल होगा तो दाब कैसा लगेगा, कम, दाब कम, ठीक है। तो इसी वजह से कील की जो सिरे की नुकीले होते हैं, यहाँ पे ये मैंने आपको दिखाया है, इसी वजह से कीलों के सिरे नुकीले होते हैं और चाकू की धार जो होती है, ये जो चीज है, चाकू की जो धार होती है वो तेज होती है। और ये सब किस पे डिपेंड करता है, इन्हीं सब पे, ठीक है, फोर्स और प्रेशर के ऊपर। ओके, थैंक यू।